फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं इडियट्स किड्स टीवी और मैं हूं ईमान, जानते ही हो गए आप मुझे। सो आज की रेसिपी में मैं आपके साथ टेस्टी सी और यमी सी लेके आई हूं केएफसी स्टाइल की फ्रेंच फ्राइज। तो उसके लिए हम लोग केएफसी स्टाइल बनाना है, उसके लिए हमें सबसे पहले आधा किलो आलू लेने पड़ेंगे और ये हमारे पास है कॉर्नफ्लोर। तो ये है हमारे पास कॉर्नफ्लोर और मैदा। हमारे पास मैदा है 4 चम्मच और कॉर्नफ्लोर है हमारे पास 2 स्पून। और कुछ हम लोगों ने पहले स्लाइसेस काट लिए आपको दिखाने के लिए। और ये हमारे पास एक स्लाइसर है जिसको बहुत जोर लगा के करना पड़ता है, जो हमसे मिक्स नहीं होएगा। और ये सॉल्ट है 1 टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं चिली, 1 टी स्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हल्दी आप 1/2 टी स्पून ही डालिएगा। सूखी मेथी है ये हमारे पास। और उधर हम लोगों ने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है, देख सकते हैं। अब हम पहले हम अपने मैदे के अंदर इन सबको करेंगे। तो जी फ्रेंड्स, अब हम इसको चॉप करते दिखाते हैं ये आगे से निकलेगा यहाँ से। जी बहुत जोर लगा है और देखो सब्र का फल मीठा होता है। सो जी फ्रेंड्स, इसके अंदर हम लोगों ने आलू को डाल दिया। इसके अंदर हम पानी नहीं ऐड करेंगे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम आलू का जो पानी होता है, आलू का खुद ही पानी होता है नेचुरली, तो उसके साथ ही हम इसको मिक्स करेंगे। और अब हम लोग इस सारे आलू को इस तरीके से चॉप करेंगे। पहले तो हम इन सबको ऐसे करके मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले भी इसके अंदर ऐड करेंगे। जी फ्रेंड्स, देख सकते हैं मामा ने बहुत जोर निकाल के कि दूसरा आलू भी कर लिया, इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मसाला हमने इसके अंदर पहले ही डाल दिया है, इसको हम मिक्स 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 करेंगे। इसके अंदर पानी डालेंगे, सबका अच्छा मसाला लग जाएगा। अभी तो हमारे इतने आलू पड़े हैं, देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं। ये आधा किलो आलू लेंगे हमने आधा। चलो आपको जितनी भी लोग आए हैं, गेस्ट आए ना, तो समझना एक क्रंची आइटम एलिमेंट बनाना है। तो क्या हम बनाए, तो आपने फ्रेंच फ्राइज केएफसी स्टाइल की बना लेनी है। ये सबसे इजी और आसान तरीका है, वो भी हम 5 मिनट में बनाएंगे। सो अभी फिर हम आलू काटेंगे, फिर हम आलू काट रहे हैं और हम सारे आलू काट के आपसे मिलेंगे। देख सकते हैं हम इसके अंदर इसको फ्राई करेंगे, सिलेंडर के ऊपर हम करेंगे क्योंकि हमारी जो गैस है वो चली गई है। तो अब हम इसके अंदर फ्राइज डालेंगे। ये फ्रेंड्स, इसके अंदर हम इस तरीके से फ्राइज डालेंगे, बच के रहना ऑयल से, क्योंकि ऑयल जो है वो गर्म है। और फिर गर्म ऑयल की जब छींटे पड़ती हैं तब आपको खुद को पता है फिर क्या हाल होता है, ये आप खुद बेहतर जानते हैं। गैस इस टाइम हमारी चली जाती है, तो इस वजह से फिर हमें सिलेंडर पर ही पकाना पड़ता है। इससे पहले बना ले तो वो ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो अगर लेट हो जाए तो फिर गैस चल जाती है, फिर 4 बजे हमारी गैस आती है। डिफ्रेंड्स, ये नहीं करना कि आपने एक ही जगह फ्राइज को रखे रहना है। डिफ्रेंड्स, आपने यूँ नहीं करना कि आपने इसको एक ही जगह पे स्टे करके रखना है, इसको थोड़ी स्पेस दे दे के रखना है। और इसे आपने इसको स्पेस दे के रखना है और इसको हलाते रहना है ताकि ये जो है वो साथ साथ चिपके ना। फ्रेंड्स, आपने इसके ऊपर ऑयल भी डालना है, जो इसके ऊपर ऑयल है वैसा ऊपर पर करना है ताकि ये अच्छे तरीके से हो जाए। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी इसकी फाइनल लुक अच्छी लगी होगी उम्मीद करती हूँ। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हमने इसको डिश आउट कर लिया है, ब्यूटीफुल लग रही है ना। और इसको मैं जो देख के ना मुँह में पानी आ रहा, दिल कर अभी एक उठाऊँ और खा दूँ। इसके ऊपर हम लोग केचप डालेंगे, आप चाहें तो आप इसको चाट मसाला और भी चीज़ों से डिश आउट कर और भी किसी चीज़ों के साथ खा सकते हैं, चाट मसाला, नमक, काली मिर्च वगैरह, वट एवर जो आप यू आर लाइक। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और ये जो डिश है ना, ये जो डिश है वो आप ज़रूर बना कर देना, मुझे कमेंट में बताना, बना के टेस्ट करके मुझे बताना। ओके, बाय।